लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर ग्वालियर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लिहाजा शहर के बारादरी चौराहे पर यूथ कांग्रेस सत्याग्रह करती नजर आई। इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। मौके पर हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन भी मौजूद रहे और कई नेताओं से बातचीत की है, सुनिए। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर में, आप देख सकते हैं ग्वालियर में जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ सत्याग्रह चल रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप सामने देख रहे हैं जो तख्तियाँ लिए हुए हैं, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है, बहुत हुई महंगाई की मार, निकम्मी है मोदी सरकार, इस तरीके से विरोध लगातार जारी है। इससे पहले भी कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर कड़ी धूप में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेतागण हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, और क्या ये चुनावी स्टंट है या फिर जनता की आवाज़? आप ये देख रहे हैं, ये जनता देख रही है, किस तरीके से देख रही है। 2014 का नजरिया दिखाता हूँ, जहाँ 9% टैक्स आपकी यूपीए पेट्रोल पे लेती थी, ये आपके 32% पेट्रोल पे ले रहे हैं, और जहाँ डीजल पे 3 रुपये टैक्स कांग्रेस सरकार लेती थी, ये आपके 33% ले रहे हैं। रिफाइनरी से डीजल आता है 24 रुपये में, आपका सेंट्रल 33 लेती है, स्टेट 33 लेती है, ये यूपीए ने 25 कर रखा था और सेंट्रल के